नमस्कार, मैं निशांत सिसोदिया फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। आज हम मौजूद हैं मोदी नगर में स्थित सीकरी माता मंदिर पर। सीकरी माता का मंदिर सीकरी कला गाँव में स्थित है और इसे श्री महामाया देवी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। सीकरी माता को देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। जिसके हाथ जितने ऊपर उसकी किस्मत गणेश भगवान कर देंगे। वेरी वेरी सुपर। पढ़ाई उठाए हाथ, 1 2 3। इस मंदिर के पुजारी श्री देवेंद्र शास्त्री जी से बात करने पर उन्होंने बताया, नाम बोलते हैं उसी प्रकार से मेरा नाम आचार्य देवेंद्र भारद्वाज है और यहाँ सिद्ध पीठ पर एक भगवती के दास के माध्यम से मुझे रखा गया। बोले सच्चे दरबार की सभी भक्तों को जय माता की। आज आप सभी भगवती के प्रांगण में माँ महामाया के सिद्धपीठ पे आद्य शक्ति जो महामाया है सीकरी खुर्द मोदी नगर और जिला गाजियाबाद के अंतर्गत यह पावन पवित्र महामाया का दरबार है। बड़ा दिव्य सुंदर अलौकिक दरबार है। इसकी दरबार की विशेषता ये है कि दरबार में अनेक अनेक राज्य से अलग अलग राज्य से श्रद्धालुगण आते हैं, अपनी भाव निष्ठा और श्रद्धा माता के प्रति रखते हैं। यह पावन दरबार इतना प्राचीन है कि यहाँ की विशेषता और यहाँ की झांकियाँ और यहाँ की जो तपोभूमि है यह साक्षात अपने आप में एक सिद्धपीठ है। तपोमूर्ति ब्रह्मनिष्ठ श्री जालिमगिरी जी महाराज जी ने भगवती की आराधना की और आराधना के माध्यम से ही भगवती ने साक्षात उनको दर्शन दिए। करीबन 450 वर्ष पुराना यह प्राचीन मंदिर है जो विश्व में विख्यात है और भगवती साक्षात एक अपना सुंदर अलौकिक स्वरूप जो दृश्य प्रतिमा के स्वरूप में यहाँ पे स्थापित है। महाराज जालिमगिरी जी की यह तपोभूमि होया करती थी करीबन 450 वर्ष पहले। तो महाराज जालिमगिरी जी ने यहाँ पे तपस्या की। यहाँ पे चारों तरफ जंगल ही जंगल था और उस जंगल में एक सुंदर सी कुटिया बनी हुई थी महाराज जी की। उनका धुना भी था जो आज भी इस मंदिर के अंतर्गत यह धुना है और धुने के सम्मुख जो है महाराज जी तपस्या किया करते थे। भगवती की आराधना की और भगवती इतनी प्रसन्न हुई, माता ने साक्षात उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के उपरांत जो है महाराज जालिमगिरी जी ने माता का गुम्बट बनवाया। इस प्रकार से यह धीरे धीरे प्रसिद्धि प्रसार प्रसार हुआ मंदिर का और अनेक अनेक राज्य से लोग श्रद्धालु यहाँ पे आने लगे। धीरे धीरे आज इतना विख्यात मंदिर हो गया कि मंदिर का जो प्रांगण है यह भी एक देखने लायक है और मंदिर में जिस प्रकार से प्रतिमा है, जिस प्रकार से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, तो उसी प्रकार से भक्त लोग आकर अपनी श्रद्धा के अनुकूल यहाँ पर दान भी देते हैं और दान देने के उपरांत जो है अपने धन कोष से माँ के प्रति दशांश धन लगाकर इस मंदिर का निर्माण इत्यादि में सहयोग किया करते हैं। बोले सच्चे दरबार की जय। सीकरी माता मंदिर में हर साल चैत्र नवरात्रों में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और मंदिर में माता के
दर्शन करते हैं। मान्यता है कि जालिमगिरी बाबा को माता ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। अगले दिन उस स्थान पर बाबा जी ने खुदाई कराई तो वहां माता की मूर्ति मिली थी। तब जालिमगिरी बाबा ने इस स्थान पर माता का मंदिर बनवाया था। मंदिर प्रांगण में ही जालिमगिरी बाबा जी का धूनी का स्थल भी है। माता के दर्शनों के लिए आने वाले भक्त इस धूनी स्थल पर भी माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये है हमारे मंदिर का स्थित धूना और ये है बाबा जालिमगिरी जी जो जिन्होंने माता की स्थापना की थी, जो माता को लेकर आए थे। पूरे मंदिर इन्हीं के नाम है और इस धूने की सबसे पहला यही धूना है और कुछ नहीं था। यहाँ पे माता को भी बाद में बाबा ने ही प्रकट किया था, जो हमारे जालिमगिरी बाबा है। जालिमगिरी बाबा ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भक्त आते हैं सबसे पहले यहीं पर प्रसाद चढ़ाते हैं और इन्हीं से ही सब कुछ मांगते हैं और यहीं से ही सब कुछ चलता है। यही बड़ी दूर दूर से यात्री आते हैं जो धोने को हमारे धोने को जानते हैं। जय जय बाबा जालिमगिरी की। उठा दो सबसे ऊंचे हाथ और ताली लगे। अरे ये गोली मंदिर परिसर में ही एक बहुत पुराना वट वृक्ष भी है। मान्यता है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कई क्रांतिकारियों को इस पर फांसी दी गई थी। अब ये वृक्ष पूजनीय है और श्रद्धालुगण अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इस पर धागा बांधते हैं। जय माता दी। जय माता दी। हम सीकरी खुर्द महामहादेव मंदिर पर स्थित हैं। हम यहाँ के पुजारी भी हैं और यहाँ के रहने वाले निवासी भी हैं। इस वृक्ष की एक खासियत है, हमारा वृक्ष जो है ये 500 साल पुराना वृक्ष है और इस वृक्ष पर अंग्रेजों ने 135 हमारे सीकरी खंड के जो लोग थे उनको फांसी लगा दी गई थी और फांसी लगाने के पर्यांत यहाँ काफ़ी ये कुंड था नीचे महामादेवी का, यहाँ पर काफ़ी लोग छुपे भी थे, वो बच भी गए थे। उन लोगों ने भी बताया था कि यहाँ से यह हुआ है। और इस वृक्ष की खासियत है ये जो इस वृक्ष पर कलावा बांध कर अपनी मनोकामना मांगता है वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। जय माता दी। आसपास के क्षेत्र के नवविवाहित दंपति आशीर्वाद लेने मंदिर में आते हैं। कुछ लोग अपने नवजात बच्चों को माता का आशीर्वाद दिलाने के लिए यहाँ लेकर आते हैं। नवरात्रि का त्यौहार इस मंदिर का विशेष त्यौहार है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए आते हैं। माता अपने सभी भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। माता का अपने भक्तों पर आशीर्वाद सदा बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ
हम विदा लेते हैं। जल्दी ही फिर प्रस्तुत होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।